लगातार बिहार में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका पर्चा नहीं लीक होता हो। माँ का जेवर और पिता का सपना सब बेकार हो गया, लेकिन यह बिहार पुलिस से यह जांच में अपराधी सामने आ जाएंगे हम लोग को ऐसा नहीं लगता है। माननीय नीतीश कुमार जी रात को 8:30 बजे बोलते हैं कि अभी अभी जानकारी मिली है। देखिए, सरकारी अस्पताल के बेडों पर कुत्ते बैठते हैं, वो कितना सत्ता के नजदीक क्यों ना हो, उनके घर को बुलडोजर से ढा दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड में, आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी का 67वें परीक्षा कल होने वाला था। आपको बता दें कि परीक्षा होने के बाद पेपर लीक हो जाता है, जिससे छात्र पूरे आक्रोशित में हो जाते हैं और वो हंगामा करते हैं, जिसके बाद सरकार बोलती है कि इस पर संज्ञान लेंगे। लेकिन इस पर हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन जी हैं। चंदन जी, बीपीएससी का परीक्षा पेपर लीक हो जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत गंभीर विषय है। देखिए, माँ का जेवर और पिता का सपना सब बेकार हो गया। बहुत छात्र मेहनत किए थे इस परीक्षा को देने के लिए, दूर दूर से छात्र आए थे इसमें, लेकिन जिस तरीके से पर्चा लीक हुआ, इससे स्पष्ट हो जाता है कि सप्लाई ऑफ चेन जो था, इसमें कहीं ना कहीं कोई ब्रेक किया है। अब इसमें कौन से अब वो अधिकारी हैं या सत्ता के संरक्षण में बैठे हुए वो जो प्रभावशाली लोग हैं, कोई ना कोई इसका जिम्मेवारी लेगा ना, कौन लेगा? और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी रात को 8:30 बजे बोलते हैं कि अभी अभी जानकारी मिली है। आप किस हवा महल में हैं? लगातार बिहार में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका पर्चा नहीं लीक होता हो, कोई ऐसा प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसका पर्चा ना लीक होता हो। तो लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था गिरती जा रही है, स्वास्थ्य का हाल आपका वही है, देखने से तो स्पष्ट लगता है कोई रुचि नहीं है सत्ता चलाने की। तो बिहार के जो नौजवान हैं, अगर बिहार से पलायन कर रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेवार आखिर कौन है? यह सत्ता द्वारा संचालित जो गैंग हैं, ये इनका काम है कि बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ लगातार खेल रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती है कि यह बिहार पुलिस इस मसले को अगर डील करती है, वह तमाम अपराधी बच जाएंगे जो यह पर्चा लीक में शामिल हैं। इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और एक समय सीमा के अंदर में इसकी जांच होनी चाहिए, और जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं, जो अपराधी या वो कितना सत्ता के नज़दीक क्यों ना हो, उनके घर को बुलडोजर से ढा दीजिए। आप ऐसा नज़ीर पेश कीजिए बिहार में कि भविष्य में कोई बिहार में कोई प्रतियोगी परीक्षा का पर्चा लीक करने का साहस ना जुटा पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें बहुत सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन देखिए, यह पर्चा पहले लीक कर जाता है, यानी कोई ना कोई तो ऐसा है जो आयोग से भी ज़्यादा ताकतवर अपने को समझ रहा है। अब कौन लोग हैं यह जांच का विषय है, लेकिन यह बिहार पुलिस से यह जांच में अपराधी सामने आ जाएंगे हम लोग को ऐसा नहीं लगता है। आपने एक स्वास्थ्य का भी बात किया है, तो बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 80 बिहार के जो 80% लोग हैं जो सरकारी अस्पताल में अपना इलाज नहीं कराना चाहते, एक रिपोर्ट में सामने आया है। देखिए, सरकारी अस्पताल के बेडों पर कुत्ते बैठते हैं, अस्पताल के अंदर में पानी भरा हुआ रहता है, वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म है, दवाई कभी मिलता नहीं है। तो जिस हालात में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है, धराशाही हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपना स्वास्थ्य का इलाज कराने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, जीतन राम मांझी बिहार से बाहर जाते हैं, तो यहाँ के जो नेता हैं ये अपना इलाज बिहार में कराना नहीं चाहते हैं। तो बिहार की जो गरीब जनता है यह मजबूर है, जाए तो जाए कहाँ। तो लगातार अब तो आप देख ही रहे होंगे JNM छात्राओं को किस तरीके से बिहार पुलिस पुरुष पुलिस पीट रही है। कोविड के समय में जिस तरीके से उनका योगदान है, कितना मेहनत की थी, जान बचाई, आज उनको मारा जा रहा है। तो एक तो पहले ही से आपका स्वास्थ्य विभाग खस्ता हाल है, ऊपर से जो इसमें काम कर रहा है उसको भी आप परेशान कर रहे हैं, पीट रहे हैं, तो कतई बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग है वह चरमरा गई है, धराशाही हो गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य
दोनों यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 13 करोड़ आवाम के बारे में आप सोचें। आप बिहार के अभिभावक हैं और जो बिहार के नौजवान जो छात्र हैं, जो मेघावी छात्र हैं, आपके तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। उनके उम्मीद पर आप कायम हों और इसमें तुरंत सीबीआई जांच की आप अनुशंसा करें। अगर आपके द्वारा सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं होती है तो छात्रों में, नौजवानों में यह सीधा मैसेज जाएगा कि जो अपराधी हैं इसको आप बचाना चाहते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन जी। इन्होंने साफ तौर पर बीपीएससी में जो परीक्षा पत्र लीक हुआ है उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। और भी खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बाजार के साथ। नमस्कार समीर जी। नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं, जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट गुरु समीर जी। घर बैठे पाएं समाधान।